संसार में कुछ आत्माएं समाज की दिशा परिवर्तन के लिए आती हैं, परंतु एक महान आत्मा ऐसी आई जिसने मानवता को उत्थान और कल्याण का मार्ग दिखाया, सत्य समझाया। उन्नीसवीं सदी का भारत अनिश्चितता और अंधविश्वास के दौर से गुजर रहा था। ये समय था उथल पुथल और निराशा से भरा हुआ। हमारी गौरवशाली भूमि और इसके निवासी विदेशियों और हर तरह की सामाजिक बुराइयों की गुलामी में जकड़े हुए थे। परंपरा के नाम की घुटन, संस्कारों के नाम पर तकियानुसी तर्कहीन अंधविश्वास, ये धर्म के नाम पर आडंबर स्वीकार करना मुश्किल हो गया। जो स्वयं की रक्षा नहीं कर सकता, वो किसी और की रक्षा कैसे कर सकता है? मन विद्रोह करने के लिए बेकाबू हो गया और वो सत्य की खोज में निकल पड़ा। सत्य और ईश्वर से कोई भी उसका साक्षात्कार नहीं करवा पाया। अंत में मिल ही गया सच्चे गुरु स्वामी वीरचानंद जी का द्वार। कौन हो? यही तो जानने आया हूं मैं। कौन हूं मैं? सत्य को पाना चाहते हो? जी 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 गुरु जी, मैं आज आपके सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आज जन्म ब्रह्मचार्य का पालन करूंगा, वैदिक धर्म और सत्य की ज्योति से समाज को जागृत करूंगा, मेरे देशवासियों को पाखंड, अर्थहीन कर्मकांडों, कुरीतियों और अंधविश्वासों से आजाद कराने के लिए मैं स्वयं को न्योछावर कर दूंगा। रुक जाओ! इतना बड़ा न्याय, जरा इसकी आयु तो देखिए। इससे उचित तो यह होता कि आप लोग इसके पुनर्विवाह के बारे में सोचते। रुक जाओ! ये दलित नहीं, हमसे अलग नहीं आ रहे हैं, हमारे भाई हैं। लेने दो इनको पानी। महिलाओं को भी पढ़ने और शिक्षित होने का अधिकार है। अपनी पाखंड खंडनी पताका फहराकर निडरता से सत्य ज्ञान का प्रचार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो अलख जगाई, उस यज्ञ की आहुति में हुंकार लगाते हुए लाखों स्वर आ जुड़े और आरंभ हो गया आर्य समाज। आओ हम सब मिलकर विश्व कल्याण के लिए एक संकल्प लें। हमारा एक ईश्वर, हमारा एक धर्म, वैदिक धर्म, हमारी एक भाषा हिंदी, हमारी एक पहचान आर्य। आरंभ हो गई उसकी सत्य की खोज की यात्रा। वो धर्म योद्धा जिसके शस्त्र थे सत्यता, निष्पक्षता और निर्भीकता, जल्द आ रही है फीचर फिल्म महर्षि।